बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, फाइंड सर्कमसेंटर इफ पी वन पी टू एंड पी थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल। तो पी वन था 0,1, पी टू था 1,2, पी थ्री था -2,3। लेट पी वन लेट सी एक्स कॉमा वाई इज द सर्कमसेंटर। लेट सी इज द सर्कमसेंटर। आप में से कुछ लोगों ने ये किया ही कर ही लिया होगा, फिर भी देख लें। लेट्स सी इज द सर्कमसेंटर एंड वी हैव टू फाइंड सी। तो सोचने का तरीका एक कार ये होना चाहिए कि चूंकि दो अननोन हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, इसका मतलब आपको दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो पी वन पी टू एंड पी थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल एंड सी इज द सेंटर। सी इज द सेंटर। सेंटर में एक तो एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट, ये दो आपको मालूम नहीं है। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशंस की ज़रूरत होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब वो इक्वेशंस कैसे बनाई जाएं? वो इक्वेशंस बनाने का तरीका ये है कि पी वन सी इट इज रेडियस, पी टू सी इट इज रेडियस, पी थ्री सी इट इज ऑल्सो रेडियस। एक ही सर्किल के रेडियाई अनसेम नहीं हो सकते, सो दे मस्ट बी इक्वल। वी से दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन P1C is radius, P2C is radius, P3C is radius. एक ही सर्किल के रेडियस अनइक्वल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये है कि इन्हें इक्वेट करके आप दो इक्वेशंस, कम से कम दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए, एक इक्वेशन बनाई जा सकती है। इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो एक और इक्वेशन बनाई जा सकती है, और इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो एक और इक्वेशन बनाई जा सकती है। इसका मतलब हम तीन इक्वेशंस बना सकते हैं, हमें ज़रूरत सिर्फ दो इक्वेशंस की है, तो दो ही इक्वेशंस बनाई जाएंगी। तो इफ़ यू कंसीडर पी वन सी is equal to P2C. अब इसे इक्वेशन कैसे बनाए? इसे इक्वेशन बनाने का तरीका कि आप दोनों साइड पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो P1C, P1 is first point x1 y1, C is the second point x2 y2. तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो इट बिकम्स x-0 होल स्क्वायर प्लस y-0 y-1 होल स्क्वायर। इसी तरह फॉर पी टू सी, पी टू इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सी इज सेकेंड पॉइंट
एक्स टू वाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। अब रूट को रिमूव करें तो रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे भी रूट है राइट साइड पे भी रूट है, तो रूट हो गया कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट वैनिशेस। अब ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर स्क्वायर किया, राइट साइड पे भी स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग से रूट दोनों साइड से ख़त्म हो गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, इट इज वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन बाई यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज करते हुए एक्स माइनस वन होल स्क्वायर को भी सॉल्व करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर, इसे भी सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर। अब एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है, एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है, कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर ये भी दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है, ये भी कैंसिल हो गया। इसके अलावा वन भी दोनों साइड्स पे मौजूद है, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी जो कुछ बच गया उसे आप शिफ्ट कर दें, तो माइनस टू एक्स को शिफ्ट किया इट बिकम्स प्लस टू एक्स, माइनस फोर वाई को शिफ्ट किया इट बिकम्स प्लस फोर वाई, माइनस टू वाई ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, प्लस फोर को शिफ्ट किया माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इट इज टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। आप टू कॉमन लें, टू कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू इट इज इक्वल टू जीरो। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसे आप संभाल के रखें। ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। Now consider P2C is equal to P3C. P2C is equal to P3C. So P2 is first point coordinate x1, y1 and C is second point coordinate x2, y2. तो दोनों साइड पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर पी थ्री सी, पी थ्री इज फर्स्ट पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड सी इज सेकेंड पॉइंट एक्स टू वाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस इंटू माइनस टू यानी एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट रिमूव हो गया, ये हो गया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करते हुए आप इसे सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस y स्क्वायर माइनस फोर वाई
प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन। अब एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ये भी दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट ये भी कैंसिल हो गया, फोर ये भी दोनों साइड्स पे ऐड हो रहा है ये भी कैंसिल हो गया। बाकियों को आप शिफ्ट कर दें, बाकियों को शिफ्ट करें तो माइनस टू एक्स मौजूद है, फोर एक्स को शिफ्ट करें माइनस फोर एक्स हो गया, माइनस फोर वाई यहाँ मौजूद है, माइनस सिक्स वाई को शिफ्ट करें तो प्लस सिक्स वाई हो गया, प्लस वन ऑलरेडी मौजूद है, नाइन को शिफ्ट करें तो माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया माइनस सिक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। आप माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, माइनस टू कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, जीरो अपॉन माइनस टू इज जीरो, सो थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये एक और इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक इक्वेशन पहले मालूम की एक्स और वाई की फॉर्म में, कैसे फाइंड की, जस्ट बाय इक्वेटिंग पी वन सी एंड पी टू सी। एक और इक्वेशन फाइंड की बाय इक्वेटिंग पी टू सी एंड पी थ्री सी। तो अब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि मैंने ये इक्वेशन बनाई है P1C और P2C को इक्वेट करके, और दूसरी इक्वेशन P2C इज इक्वल टू P3C से बना ली। अगर कोई बच्चा P1C इज इक्वल टू P3C से इक्वेशन बनाता है तो इक्वेशन तो बदल जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन उससे रिजल्ट पे यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। नाउ सॉल्व दीज इक्वेशंस, सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन थी एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू है थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। आप अगर इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, सो एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इफ वी ऐड दीज इक्वेशंस एक्स प्लस वाई माइनस टू is equal to 0 and 3x minus y plus 4 is equal to 0. आपने ऐड किया प्लस y माइनस y कैंसिल, 4x plus 2 is equal to 0. So 4x is equal to minus 2. So x is equal to minus 2 divided by 4. x is equal to minus 1 upon 2. एक्स की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो इक्वेशन टू में पुट कर दें। तो इफ यू कंसीडर इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन थी एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन अपॉन टू प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो वाई इज इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन टू। इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 2। आपको x भी मालूम, आपको y भी मालूम, इसका मतलब आप कह सकते हैं therefore circumcenter
which was C, coordinate x comma y is equal to the value of x, which is minus half, and the value of y, which is equal to 5/2. तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन वही लिखा था, क्वेश्चन नंबर गालिबन 13 था, जिसमें आपको यही पॉइंट दे रखा था और आपको प्रूव करना था कि ये वाकई सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिर हमने क्वेश्चन बदल लिया, कि सेंटर फाइंड किया, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वही निकले जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दे रखे थे। उम्मीद है कि ये चीज दिमाग में रखेंगे। इस एक्सरसाइज में से जो 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्टिसेस ए बी एंड सी, the vertices A, B and C of a triangle are 2,1, 5,2 and 3,4. Respectively, 5 the coordinates of circumcenter, 5 the coordinates of circumcenter, and also the radius of circumcircle, radius of circumcircle यानि circum radius। अब अगर आप गौर करें तो A, B, C ये आपको given है circumscribing triangle के vertices। A is equal to 2,1, B is equal to 5,2, C is equal to 3,4. Let O with coordinates x, y, C तो नहीं कह सकते, O कह दें, is the circumradius ये आपको अब फाइंड करना है। तो फिगर बना लें, तो आपको सर्कम स्क्राइबिंग ट्राइंगल के वर्टिसेस P1, P2, P3 के बजाय A, B और C गिवन है, और आपने सर्कम सेंटर को बजाय सी कहने के, क्योंकि सी वर्टिसेस में गिवन है आपको, आपने इसे कह दिया ओ। तो ओ आपको फाइंड करना है। तरीका है, वारदात वही है कि ए से ओ तक का डिस्टेंस, बी से ओ तक का डिस्टेंस, सी से ओ तक का डिस्टेंस, ये सब एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सब रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ए ओ इज रेडियस, डी ओ इज रेडियस, सी ओ इज रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, सो दे मस्ट बी इक्वल। आप इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, आप इन दोनों को इक्वेट करके एक और इक्वेशन बना सकते हैं,
और आप चाहें तो इन दोनों को इक्वेट करके भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। इसका मतलब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, तो हमें तीन इक्वेशंस की तो ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ दो इक्वेशंस की ज़रूरत है, लिहाजा कोई से दो कंसीडर करके आप इक्वेशंस बनाएंगे। इफ़ वी कंसीडर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, तो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड्स। ए इज फर्स्ट पॉइंट एक्स वन वाई वन, बी इज सेकेंड पॉइंट, ओ इज सेकेंड पॉइंट एक्स टू वाई टू। वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर। For BO, it becomes x minus 5 whole square plus y minus 2 whole square. Root को remove करने के लिए squaring करें on both the sides, x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to x minus 5 whole square plus y minus 2 होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज करते हुए फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब ये देखें क्या कुछ कैंसिलेशन हो रही है। यस, एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स पे मौजूद है, कैंसिल हो गया। y स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, 4 ये भी कैंसिल हो गया। बाकियों को आप शिफ्ट कर दें, माइनस 10x को शिफ्ट किया, ये हो गया प्लस 10x, माइनस 4x ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। माइनस 4y को शिफ्ट किया, इट बिकम्स प्लस 4y, माइनस 2y यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, प्लस 1, माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स 6x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप 2 कॉमन लें तो 3x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2 को शिफ्ट कर दें तो ये हो गया 3x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इक्वेशन नंबर 1। अब एक और इक्वेशन फाइंड करें, वो एक और इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम BO is equal to CO. Consider BO is equal to CO. Using distance formula on both the sides. For BO, B is first point x1 y1, O is second point x2 y2, तो ये हो जाएगा x minus 5 whole square plus y minus 2 whole square. For CO, it is x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square. रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये हो गया x minus 5 whole square plus y minus 2 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square. A minus b whole square use करके further इसे simplify करें, तो x square minus 10x plus 25 plus y square minus 4y plus 4 is equal to x squared minus 6x plus 9 plus y squared minus 8y plus 16.
चूंकि कैंसिलेशन हो सकती है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और 9 प्लस 16 25 कैंसिल विद दिस 25। लेफ्ट साइड पे 25 मौजूद है, राइट साइड पे 9 प्लस 16 विच मे बिकम 25, तो 25 कैंसिल्ड। अब शिफ्टिंग कर दें तो शिफ्टिंग करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 10x एज इट इज प्लस 6x माइनस 4y मौजूद है यहाँ पे प्लस 8y शिफ्ट कर दिया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये होगी अब माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यू कैन टेक कॉमन, माइनस 4 कैन बी टेकन कॉमन, यू लेफ्ट एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट इज सेकेंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सेकेंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब जो दो इक्वेशंस आपने फाइंड की, फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बाकी बच गया 4x, x प्लस 3x इज 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 13, इसका मतलब x इज इक्वल टू 13 अपॉन 4। आप x की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, x की ये वैल्यू 13 अपॉन 4 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इफ यू कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज 3x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13 अपॉन 4 प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 39 अपॉन 4 प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 39 अपॉन 4, वाई इज इक्वल टू 48 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 4, तो वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। आपको x भी मालूम हो गया, आपको y भी मालूम हो गया, इसका मतलब सरकम सेंटर आपको मालूम हो गया, x कॉमा y यानी 13 अपॉन 4 कॉमा 9 अपॉन 4। Therefore, सरकम सेंटर इट इज इक्वल टू ओ, आपने इसे ओ कहा था, एक्स कॉमा वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ इट इज इक्वल टू 13 अपॉन 4 एंड वाई इट इज 9 अपॉन 4। अब आइए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, चूंकि आपसे रेडियस भी पूछा गया था तो रेडियस फाइंड करने की आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आप ए से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, या बी से ओ तक का डिस्टेंस, या फिर सी से ओ तक का डिस्टेंस। तो फॉर सर्कम रेडियस it is equal to distance between A and O. For example, it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus
y2 - y1 whole square it is equal to square root of a is first point x1 y1 and o is second point x2 y2. तो इसका मतलब ये हो गया 13/4 it is 13/4 -1 - 2 whole square 13/4 - 2 whole square plus 9/4 -1 whole square it is equal to square root of 13 - 8/4 whole square plus 9 - 4/4 whole square. Now it is equal to square root of 5/4 whole square plus 5/4 whole square. It is equal to square root of 25/16 plus 25/16. It is equal to square root of 25 + 25/16. By taking LCM, it is equal to 50/16. It is equal to 5√2/4 units. ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ विच शोज रेडियस. बाज़ुकात रेडियस नहीं पूछा जाता, सिर्फ सर्कम सेंटर पूछा जाता है तो वहीं छोड़ दें. और अगर रेडियस भी आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आप या तो ओ और ए के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें या बी और ओ के दरमियान या सी और ओ के दरमियान. रिजल्ट में जाहिर सी बात है कोई तब्दीली नहीं होगी, यू गेट द सेम आंसर. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है. क्वेश्चन नंबर 16 find the point which is equidistant from 0, 0, 3, 1 and 6, 0. Find the point which is equidistant from 0, 0, 3, 1 and 6, 0. So let CX, Y is the point which is equidistant from 0, 0, 3, 1 and 6, 0. अब सोचने की बात यह है कि अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, तो सिवाय सेंटर ऑफ द सर्किल के और कोई पॉइंट नहीं हो सकता. इसका मतलब ये हुआ कि इट मस्ट बी सर्कम सेंटर. अब अगर शक्ल बना लें
शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। लेट पी वन इज 0.0, पी टू इज 3.1 एंड पी थ्री इज 6.0। तो पी वन, पी टू एंड पी थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल एंड यू आर गिवन दीज वर्टिसेस। C is the center with coordinate x, y. आपको सेंटर फाइंड करना है। इसका मतलब C से P1 तक का डिस्टेंस रेडियस, C से P2 तक का डिस्टेंस रेडियस, C से P3 तक का डिस्टेंस रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन पी वन सी इज इक्वल टू पी टू सी इज इक्वल टू पी थ्री सी। आप इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएं, इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएं, फिर उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो यू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये चीज़ थोड़ी सी और मॉडिफाई होगी, तो उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस जारी और सारी होगी। जो लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए अपनी स्टडीज के साथ, तो भाई डिस्टेंस फार्मूला तो कल ख़त्म हो जाएगा, कल तीन चार और फार्मूले हमें एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसके बाद फिर सीरियस होने का फ़ायदा आज तक तो बच्चों नज़र नहीं आया। तो अपने तजुर्बात रिपीट मत कीजिएगा, सीरियस एफर्ट्स यूज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।